आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जहां एक ओर पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से मिलकर लड़ रहा है, तो वहीं ऐसे में ब्रिटेन से एक बड़ी राहत देने वाली खबर आ रही है, जो कि कोविड 19 की वैक्सीन से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन आने वाले कुछ दिनों में ही अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ने अभी फाइजर की एक वैक्सीन आई है, जो कि mRNA वैक्सीन है, वो अगले हफ्ते से लगाने का अपना प्रस्ताव किया है। और ये फाइजर की वैक्सीन जो है -70 डिग्री पे काम करती है, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी -70 डिग्री पे होता है। हिंदुस्तान में अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम -70 पे ट्रांसपोर्टेशन एवं रख पाएँ। ये अगर हमको यहाँ पे लानी है तो -70 का ट्रांसपोर्टेशन के लिए एवं उसको स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सर, अगर बात करें इसके क्या कुछ इफेक्ट रहने वाले हैं और क्या साइड इफेक्ट रहेंगे? यूजली जो वैक्सीन के इसके साइड इफेक्ट हैं, वो दूसरी डोज के बाद थोड़ा सा सिर में हैवीपन रहता है, फ्लू जैसे लक्षण आते हैं, बुखार रहता है, और वो धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाता है। टोटल इस समय 150 से 200 वैक्सीन पे हमारा काम चल रहा है सभी दुनिया भर में। इसमें से जो हमारा जो वैक्सीन है, अमेरिका में फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन आई है, जो कि करीब 90 से 95% तक इफेक्टिव हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में कोविशील्ड आ रही है, जो कि हमारी ब्रिटेन के संग हो रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान की खुद की बनाई हुई कोवैक्सीन आ रही है, वो भी जल्दी इसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है। और कैडिला की वैक्सीन आ रही है, DNA वैक्सीन है, ये अप्रैल तक आ जाने की उम्मीद है कैडिला की भी। और स्पुटनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है, ये भी डॉक्टर रेड्डीज के संग में हिंदुस्तान में आने की उम्मीद है। इसका भी फेज 2 और फेज 3 ट्रायल चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी तक आने की इसकी उम्मीद है।